तो वेलकम गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं वर्सेस बैटल, जो कि होने वाला है सन वूकों की बुद्धाहुड फॉर्म में और ड्रिप गोकू की MUI फॉर्म में। तो दोनों ही फॉर्म जो है वो टोटली ओमनीपोटेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अब इन दोनों के बीच बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि इन मैच का विनर कौन होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सन वुकोंग की बुद्धाहुड फॉर्म के बारे में। तो सन वुकोंग की जो बुद्धाहुड फॉर्म है वो टोटली बुद्धा से लिंक है, बुद्धा जो कि एक गॉड है उनसे लिंक है। मतलब जो बुद्धा है जो मतलब सॉरी जो बुद्धा हैं वही सन वुकोंग में मर्ज होते हैं। जब सन वुकोंग और बुद्धा मर्ज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तब इस फॉर्म का जन्म होता है। ये फॉर्म टोटली ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीसाइंस है। ये फॉर्म कुछ भी कर सकती है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, कुछ भी क्रिएट कर सकती है। गाइस अब सोचो जो अपना सन वुकोंग है वो अकेला ही बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड करेक्टर है। वो चाहे तो अपने बेस फॉर्म में ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सारे करेक्टर्स को बहुत ही ईजिली डिफीट कर सकता है। सन वुकोंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पर अब उसकी बुद्धाहुड फॉर्म के कुछ पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके पास सबसे पहले आती है ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस, ओमनीसिएंट। उसके बाद वो मैटर मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, क्रिएशन मैनिपुलेशन, डिस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन, सारे के सारे जितनी भी पावर है ना मैनिपुलेशन की, वो अपने सन वुकोंग के बुद्धाहुड फॉर्म में आती है। इस फॉर्म में सन वुकोंग जो है वो एक सुप्रीम बींग बन जाता है, हेवन का गॉड बन जाता है। आप सोचो सन वुकोंग ने अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही पूरे के पूरे हेवन और उसके गॉड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अब तो वो फ्यूज हो चुका है बुद्धा से। मतलब सन वुकोंग को उसकी बेस फॉर्म में, मतलब मेरी बात सुनो, सन वुकोंग को उसकी जो बेस फॉर्म थे ना, मतलब बिना फ्यूजन की जो उसकी फॉर्म थी, उस फॉर्म में सन वुकोंग को बुद्धा के अलावा और कोई भी नहीं हरा सकता। बट अब वो बुद्धा के साथ ही फ्यूज हो गया है, तो सोचो अब उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। तो मतलब मुझे ज़्यादा ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है शायद इसके बारे में। तो चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करेक्टर के बारे में, जिसका नाम है ड्रिप गोकू MUI, मतलब MUI ड्रिप गोकू। ड्रिप गोकू के बारे में मैंने अपनी बहुत सी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि ड्रिप गोकू कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड करेक्टर है, बट अब वो इस फॉर्म में यूज़ कर लेता है MUI, मतलब मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ना कि कायोकैन, ना ही सुपर सेन 1, सुपर सेन 2, 3, 4, नथिंग, ना ही गॉड, ना ही ब्लू, ओनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो भी मास्टर्ड। तो सोचो जब ड्रिप गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही इतना ज़्यादा, अपनी बेस फॉर्म, ना ही अपनी सुपर सेन फॉर्म भी नहीं, सुपर सेन 1 भी नहीं, अपनी बेस फॉर्म में इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो वन अबव ऑल द प्रेजेंस टॉय बोट ओमनीपोटेंट करेक्टर्स, लिविंग ट्रैम्बुनल जो है मार्वल का लिविंग ट्रैम्बुनल, और हाजुन जो कि एनिमे हिस्ट्री का सबसे ओवर पावर्ड करेक्टर है, उन सारे करेक्टर्स को अपनी 5% और 10% पावर में ही डिफीट कर चुका है। तो सोचो कि जब वो MUI इस्तेमाल करेगा तो वो उसका पावर लेवल कहां पर जाएगा। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ड्रिप गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही अपनी 1% पावर से पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल, पूरे के पूरे एनिमे वर्ल्ड को सोलो कर सकता है। जो एनिमे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर बींग है ना, द ट्रुथ और द क्रिएटर, जो कि ओमनीपोटेंट बींग है, जो कि एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ओवरपावर्ड बींग है, उन बींग्स को ये सिर्फ अपनी 1% पावर में डिफीट कर सकता है, जिससे आप पावर लेवल का गैप ट्रिप गोकू में देख सकते हो। अब तो वो यूज़ कर रहा है MUI, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो मुझे इसकी पावर के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड ओमनीपोटेंट। MUI गोकू जो है वो बियॉन्ड ओमनीपोटेंट है। तो अब हमने दोनों कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब इस मैच के कंक्लूजन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट है। तो मेरे हिसाब से गाइस, मुझे जो ऐसा लगता है, अगर हम दोनों में फाइट करवाएंगे, अगर कभी दोनों फाइट होएगी तो नहीं, पर हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो ड्रिप गोकू है वो एक फैन मेड कैरेक्टर है, तो उस ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो हाँ, अगर इन दोनों के बीच कभी भी फाइट होती है, दोनों के बीच फाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चलेगी, बिकॉज दोनों ही बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग है। बट आखिर में आकर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, पहले आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है ना वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज आपका जो डिसीजन होगा वही मेन डिसीजन होगा। मेरा क्या, ये तो मेरा ओपिनियन है, बट आपको ओपिनियन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को सन वुकोंग विन कर जाएगा, बिकॉज सन वुकोंग इज़ अ फिक्शनल करेक्टर एंड
कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं, बिकॉज बुद्धा इज रियल भाई। बुद्धा जो है वो एक रियल है, और जो गोकू है वो कैनन भी नहीं है, वो एक फैन मेड कैरेक्टर है, और फैन मेड में भी वो फैन मेड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा फैन मेड है। तो हाँ, इस मैच के विनर होगा सन गोकू। और हाँ गाइस, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, तो मुझे सवाल का जवाब देना। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग हर्ष हब लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। तो हाँ, मेरा एक सवाल था कि ड्रिप गोकू के ऊपर पूरे के पूरे इंडिया में सबसे पहली वीडियो किसने बनाई थी, उस क्रिएटर का नाम मैंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।